अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई भी आ चुके हैं। अशर भाई, आज पेपर था? नहीं, आज प्रिपरेशन था। आज प्रिपरेशन था, आज ही बच्चे का प्रिपरेशन था तो आज गया ही नहीं होगा, तो बाकी चीज़ें देखते हैं। हमारे परिंदे इस साइड पर घूम रहे हैं। आज हमारे मोर ने बहुत ज़्यादा तंग किया सुबह सुबह। मुझे पता क्या हुआ सुबह सुबह? सुबह सुबह ना हमारा जो मोर था वो उड़ गया। सुबह 6 बजे से उड़ा और दोपहर को जाके 11 बजे जाके पकड़ा हमने। 11 बजे जाके पकड़ कर मैंने इसके पर काट दिया। आराम सुकून से यहाँ पर घूम रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा हमारे मोर ने आज हमें इतनी टेंशन दिया ना कि जो सोच भी नहीं सकते। बाकी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी खुश खुश घूम रही है। अशर जल्दी जल्दी जा, ये कबूतरों का दरवाज़ा तो खोल जल्दी 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 कबूतरों का दरवाज़ा खोल दे। बस साइड पे हो जाए, आप कबूतर खुद ब खुद आ जाएंगे। हमारा पहला कबूतर जो है वो दरवाजे के पास पहुंच चुका है, तो अब अन करीब उड़ेगा, तो देखते हैं कैसे ही उड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कबूतर जो है काफ़ी देर हो गई है कबूतर उड़ नहीं रहे, तो अशर इसको छोड़, वो साथ वाले पिंजरे के अंदर ना शॉपर पड़ा है पालक वाला, वो तो उठा ला। काफ़ी ज़्यादा सब्जी लाए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी यार शॉपर खोल, पहले पालक वाली, बल्कि पहले धनिया वाली और मेथी वाली जो गुट्टी है ना वो निकाल, उसके बाद एंड में पालक काटेंगे। माशाल्लाह काट लिया, तो हमारी मुर्गियों के काम चेक करें, तो जल्दी जल्दी सबको देते हैं सब्जी और फिर जो है वो फारग इनको खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। तो सब्जी में मैंने पालक मेथी और धनिया काट के रख दिया है, तो अब चेक करें डक्स के काम क्या कर रही हैं। वगैरह सारी चीज़ें खाने लग गई हैं, तो टर्की बर्ड और कुछ मुर्गियाँ जो हैं कबूतरों के घर के अंदर गई हुई हैं, तो इनको बाहर निकालते हैं। साइड पर हो जाए यार, देखते हैं बाहर निकलती हैं या नहीं निकलती। टर्की बर्ड नहीं निकल रहा, बाकी सारी चीज़ें बाहर आकर अब पालक वगैरह खाने लग गई हैं। चीज़ें माशाल्लाह आराम सुकून के साथ खा रही हैं। चेक करें डक्स, मोर, मोर ने आज बड़ा जलील किया है, मगर अब इसके साथ अच्छा ही हुआ है, तो अब पूरी गर्मियाँ ये अब तंग नहीं करेगा। बाकी चीज़ें माशाल्लाह सुकून से घूम रही हैं और इस साइड पर मुर्गियाँ भी घूम रही हैं, तो सब चीज़ें पालक और सब्जी वगैरह खा रही हैं। और इधर कबूतरों के घर का दरवाज़ा खोलने की देर होती है, तो दो हमारे माशाल्लाह कबूतर बाहर भी आ गए और बाकी सोया अंदर है। अंदर बाजरा गिरा हुआ यार, आज खा ही लें जितना खा सकते हैं। अच्छा जल्दी जल्दी जा, उसके अंदर जो प्याला है ना वो जल्दी जल्दी निकाल के ऊपर रख दे। ये वाली डक्स है, ये आज अंडा दोबारा से देने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि नीचे से इसकी थैली फुल भरी हुई है, तो मेल भी इसके साथ साथ घूम रहा है और इधर हमारी टर्की बर्ड की फीमेल भी आराम सुकून से खा रही है, मोर भी खा रहा है और चकोरे भी खा रही हैं। और गोल्डन बव वाला जो मुर्गी है और जो हमारा बव मुर्गा है ना वो इकट्ठे रहने लग गए हैं। और इस साइड पर चेक करें हमारी मुर्गियों के काम, चेक करें ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। चला जी सारे परिंदे चेक करें, मोर टर्की बर्ड वगैरह सारे आराम सुकून से बैठे अपने बाल वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो आवाज़ें भी दे रहे हैं, तो सारे उस साइड पर चले गए हैं। पालक थोड़ी सी बची है, तो ये आराम सुकून से खा लेंगे मोर और टर्की बर्ड वगैरह। तो बाकी मुर्गियाँ वगैरह बंद करते हैं, बाजरा वगैरह देते हैं। चार कबूतर ऊपर जाकर बैठ गए हैं, तो फीमेल जो है वो उठ के चली गई और वाइट वाला मेल आकर अंडों के ऊपर बैठ गया, तो ये भी खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। अली भाई, अली भाई क्या हाल है? तभी से ठीक है। अली भाई जो है वो आजकल मोबाइलों का काम सीख रहे हैं, इसलिए बहुत कम नज़र आते हैं अब, और माशाल्लाह इन सबको करते हैं आप जल्दी जल्दी बंद, तो बंद करके इनको बाजरा वगैरह देते हैं। और हमारे मोर और बाकी चीज़ें जो हैं वो अभी आराम सुकून से आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सारे इस साइड पर, तो जल्दी जल्दी करते हैं मुर्गियों को बंद। उसके बाद जुनेद भी आया। जुनेद बाकी इधर आ जा, आ जा, आ जा। जुनेद कह रहे हैं नहीं आना, मैंने बतखें जो है वो जुनेद को भी मारती हैं अब, तो चिड़ियों को चेक करें। मैंने बाजरा डाला है, तो चिड़ियाँ देखना आप खुद ब खुद आएंगी, तो मैं यहाँ पर आराम सुकून से खड़ा हो जाता हूँ, तो जैसी चिड़ियाँ आती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बाजरा फेंका है उनके लिए, ज़्यादा चिड़ियाँ जो है वो इसके यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि मैंने नीचे बाजरा फेंका हुआ है, तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि इनका ट्रैप बनाया जाए, तो पकड़ेंगे फिर बाद में छोड़ देंगे, फिलहाल पकड़ के देखना है कि हमारे से चिड़िया पकड़ी जाती है या नहीं जाती। चिड़ियाँ वगैरह मैंने माशाल्लाह कर दिया बंद, अब सारी चीज़ें खा रही हैं बाजरा। और इस साइड पर माशाल्लाह हमारे कबूतर कुछ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, और बतखे और मोर वगैरह जो है वो बाजरा वगैरह खा रहे हैं और पालक वगैरह खा रहे हैं, तो मैंने ट्रैप लगा दिया है। ये चेक करें जी, ट्रैप लग चुका है, तो देखते हैं चिड़िया हाथ आती है या नहीं आती। सारी उस साइड पर बैठी हुई हैं, तो जल्दी जल्दी जावे उस दरख्त को हिला, तो वो इस साइड पर आती हैं। बच्चे अभी इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़े रहो, अभी इधर ही खड़े रहो, सारे डक्स मारेंगी, तो देखते हैं ट्रैप के हमारे हाथ चिड़ियाँ आती हैं या नहीं आती। तो जल्दी जल्दी, मोर हमारा अभी डर रहा है हमसे, तो चेक करें कितनी ज़्यादा चिड़ियाँ आ गई हैं, वो सारी ऊपर जाकर बैठी हैं, अब इधर आ गई हैं, तो देखते हैं अब आती हैं नीचे या नहीं आती। बच्चे सारे सामने बैठे देख रहे हैं और चिड़ियाँ निकल कर आ गई हैं, लेकिन कुछ आई हैं और फिर से ऊपर जा रही हैं। इस साइड पर कोई भी नहीं आ रही, जैसे ही इस साइड पर आती हैं तो मैं बिल्कुल
खींच लूंगा, धागा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो ये चक्कर हमारा धागा जा रहा है और सामने लगा हुआ है, तो देखते हैं कि चिड़िया हाथ आती है या नहीं आती। तो कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं मगर अब देखते हैं कि हाथ आती है या नहीं वगैरह। तो नहीं आई, शिकर आया था तो सारी चिड़िया उड़ गई, इस साइड से भी उस साइड से भी, तो अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो टोकरी वगैरह उठाते हैं तो बस सुबह देखेंगे, दोबारा करेंगे, मगर आज जो है वो टाइम ओवर हो चुका है। तो चिड़िया वगैरह को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। चीज़ों को जी कर दिया बंद, हमारे कबूतर हमें तंग कर रहे हैं, तीन चार ऊपर बैठे हुए हैं फिलहाल, तो इनको थोड़ी देर तक आकर खोल के बंद कर देंगे। तो बाकी चीज़ें माशाल्लाह हमारी आराम सुकून से घूम रही हैं और मुर्गियाँ वगैरह भी आराम सुकून से लगी हुई हैं। तो सब चीज़ों को कर दिया बंद, सिर्फ कबूतर रह गए हैं, तो उनका पिंजरा खोल जाते हैं और बाजरा कहीं छुपा जाते हैं, जब जो अंदर आ जाएंगे तो फिर जो बाजरा उनको रख देंगे। फिलहाल तो हमारे सारे परिंदे खा जाएंगे बाजरा, इसलिए बाजरा जो है मैं उस पिंजरे में रख जाता हूँ, तो वापसी पे जब आएंगे तो कबूतर वगैरह बंद करके फिर दोबारा बाजरा रख देंगे।